एवरीवन, दिस इज अर्पिता नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फेशियल करके दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा फेशियल है, मैं पहले भी दो बार कर चुकी हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं अपना जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने एक फेशियल किट मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, ये है वो फेशियल किट, स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट है, डर्मटॉक ब्रांड का है। डर्मटॉक एक ब्रांड है जो कि स्किन केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होता है वो बनाता है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो इसका जो फेशियल किट है वो मैं पहले भी दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 150 रुपीज़ में मिलता है आपको, इसकी जो प्राइस है 150 रुपीज़ है और प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी है 33 ग्राम। शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, यानी कि आप ये जो फेशियल किट है ये आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है फॉर सिंगल यूज़ ओनली, लेकिन जब मैंने ये यूज़ किया तो एक बार नहीं, मिनिमम आप आराम से 2 बार ये जो फेशियल किट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार एनफ है, सफिशियंट है। मीन्स 150 रुपीज़ में आप ये जो फेशियल किट है आप ये 2 बार यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इट गिव्स अ नेचुरल ग्लो, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग देता है, ये लाइट वेटेड है और इट ट्रीट्स अनइवन पिगमेंटेशन। अनइवन पिगमेंटेशन मीन्स चेहरे पे जो अनइवन टेक्सचर होता है, जो अनइवन कलर होता है, कहीं पर मतलब डार्क कलर है, कहीं पर लाइट कलर है, तो इन अलग अलग कलर्स को ये सिमिलर बनाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फेशियल किट है, इस फेशियल किट का मेन इंग्रेडिएंट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम होता है विटामिन सी का, और सभी को पता है विटामिन सी जो होता है वो हमारे चेहरे को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है। अगर आप ये फेशियल किट रेगुलर यूज करेंगे तो चेहरे में जो अनइवन जो टेक्स्चर होता है, जो अनइवन कलर होता है, वो इवन हो जाता है, चेहरा स्मूथ हो जाता है और फाइनली क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो फेशियल किट है ये क्लिनिकली प्रूव है, इसमें हेल्दी केमिकल्स का यूज़ किया गया, जो हेल्दी केमिकल जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनका यूज़ किया गया है। ये किट पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रूल्टी फ्री है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है। मेनली इन्होंने फोकस किया है टू हील एंड बैलेंस द अनइवन स्किन टोन टू इवन, ये स्किन जो होता है वो स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट रखता है और ब्राइटन बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट है तो आपके चेहरे को ब्राइट बनाने में मदद करता है। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, कोई भी फेशियल किट हो, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट होता है, वो अगर आप एक बार यूज़ करेंगे, 2 बार करेंगे, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको वो हमेशा रेगुलर यूज़ करना चाहिए, मिनिमम हर वीक या फिर मैक्सिमम आपको ये 15 डेज में एक बार तो अप्लाई करना ही होता है, तभी जाकर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट होगा वो आपके चेहरे पर मतलब फ़ायदा देगा। और ये जो स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट है डर्मटॉक ब्रांड का, ये आपके चेहरे में जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो अनइवन जो टेक्सचर है, उनको दूर करके इवन करता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और चेहरे को फाइनली ब्राइटन बनाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो फेशियल है वो मैं करके दिखाती हूँ। मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने फेशियल किया है ये रिकॉर्डेड होगा। एक्चुअल में मैंने ये जो फेशियल किट है ये मैं ऑलरेडी मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, और दोनों बार यूज़ करने के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट मुझे मतलब दिखा मेरे चेहरे पर, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं मेरा जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे फेशियल किया है और क्या क्या स्टेप्स है इस फेशियल के। तो फ्रेंड्स, फेशियल का पहला स्टेप होता है क्लिनसिंग। कोई भी फेशियल करने से पहले हमें क्लिनसिंग करना होता है ताकि चेहरा जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है और 3 से 4 मिनट तक हमें अपने चेहरे को जेंटली मसाज करना होता है। मैंने यहाँ पर जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, इसलिए आपको ये जल्दी लग रहा होगा, अदरवाइज मैं बहुत ही धीरे धीरे हाथों से मसाज कर रही हूँ। जो यहाँ पर क्लिनसिंग इन्होंने दिया है वो एकदम जेल फॉर्म में है, ट्रांसपेरेंट है। 3 से 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको आपके चेहरे को गीले कपड़े से पोंछ लेना है या फिर पानी से धो लेना है। अब फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 2 है स्क्रब करना। स्क्रब की जो कंसिस्टेंसी है वो दानेदार है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ली है। ड्राई फेस पर कभी भी स्क्रब नहीं करना चाहिए, पहले अपने अपने चेहरे को गीला कर लेना है, जेंटली मसाज करना है 3 से 5 मिनट तक। अगर स्क्रब करते करते थोड़ा ये ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा प्लेन वाटर ले लें और दोबारा से गीला करके अपने चेहरे को स्क्रब करना है। फ्रेंड्स, अगेन 4 से 5 मिनट तक हमें जेंटली मसाज करना होता है, स्पेशली जहाँ के एरिया में ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वहाँ पर अच्छे से मसाज करना होता है। मसाज करने के बाद हमें अपने चेहरे को या तो पानी से धो लीजिए या फिर गीले टॉवल से पोंछ लीजिए।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्क्रब कर लिया है। स्क्रब करने के बाद मैं वाइप्स के थ्रू अपना जो चेहरा है वो पोंछ लूँगी। स्क्रब करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सीरम लगाने का। सीरम भी हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम पानी जैसा है, लिक्विड है। थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर मैं अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा अप्लाई करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पानी की क्वांटिटी में था, तो फिर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। अपनी आँखों के एरिया पर भी हम मसाज करके जेंटली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्रीम लगाने का। क्रीम भी हम थोड़ी क्वांटिटी लेंगे और मिनिमम हमें 15 से 20 मिनट तक मसाज करना होता है। फ्रेंड्स, स्क्रब करने से जो हमारी डेड स्किन होती है वो एकदम हट जाती है, और जब हमने सीरम के थ्रू मसाज किया था तो एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है हमारे चेहरे पर। आइस के एरिया को भी हमें छोड़ना नहीं है, आइस के एरिया पर भी हमें अच्छे से मसाज करना होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो मैं क्रीम लगा रही हूँ वो क्रीम मैं मिनिमम 15 से 20 मिनट तक मसाज करूँगी, जेंटली करना होता है। हमेशा फ्रेंड आउटवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर और अंदर से बाहर की ओर मसाज करना होता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो स्किन होती है वो टाइट रहती है और कभी भी लटकती नहीं है। फ्रेंड्स, मसाज करते करते अगर चेहरा ड्राई हो जाता है तो आप थोड़ी पानी भी ले सकते हैं, पानी के थ्रू दोबारा से मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद जो थोड़ा बहुत जो क्रीम हमारे चेहरे पर रह जाता है उसको मैं गीले कपड़े से या फिर वाइप के थ्रू पोंछ लूंगी। अब हमारा लास्ट स्टेप है, हमें इस स्टेप में पील ऑफ मास्क लगाना होता है। ये जो पील ऑफ मास्क है वो थोड़े थिक लेयर में हमें अपनी स्किन पर अप्लाई करना होगा और मिनिमम 20 मिनट तक रखना होगा। आप चाहे तो ये जो पील ऑफ मास्क है वो अप्लाई करने के बाद घर का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब हमें इसको नीचे से ऊपर की ओर खींचकर निकालना होता है। फ्रेंड्स, ये जो फेशियल है अगर आप ये रेगुलरली करते हैं, हर वीक करते हैं या फिर 15 दिन में एक बार करते हैं, तो ये आपके चेहरे में जो टैन की जो प्रॉब्लम है वो टैन की प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा और आपके चेहरे को एकदम ब्राइट बना देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 12 से 15 मिनट हो गए थे, मिनिमम 20 मिनट रखना है या फिर 15 मिनट रखना है। उसके बाद ये जो लेयर है वो एकदम थिक हो जाएगा, तब आपको नीचे से लेकर ऊपर की ओर खींच कर निकाल देना है। इससे क्या होगा, जो आपके चेहरे में जो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड जो हेयर होगी वो भी रिमूव हो जाएगा, और फाइनली देखिए मेरा जो चेहरा है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पहले का चेहरा और अब का चेहरा मेरा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा जो चेहरा था वो काफी हद तक क्लीन हो गया था। मैंने ये जो फेशियल है पिछले 15 दिन से मैं यूज कर रही हूँ, मीन्स 2 बार मैं यूज कर चुकी हूँ, और अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरा चेहरा मतलब काफी हद तक क्लीन हो गया था। और मैंने मिनिमम 5 या 6 महीने हुए हैं मैंने कोई फेशियल भी नहीं लिया था। ये फेशियल मुझे बहुत अच्छा लगा, 150 रुपीज में आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील। आप आराम से घर में बैठकर फेशियल कर सकते हैं, आपको हार्डली 1 आवर देना पड़ेगा। और क्या होता है ना, वर्किंग वुमेन हो या फिर होम मेकर हो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, हमेशा इतना टाइम नहीं रहता कि पार्लर भी जाकर हम लोग फेशियल करवाए। पैसे की बात नहीं है, महंगा हो या फिर सस्ता हो फेशियल तो मिल जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है कि पार्लर में जाकर टाइम निकालकर फेशियल करना। तो घर पर अगर आपको अच्छा फेशियल मिल रहा है और आप घर पर काम करते करते 1 घंटे में अगर आप फेशियल कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ मतलब बैड आइडिया। तो फ्रेंड्स, मैं हाईली रिकमेंड करूँ कि आपको कि ये जो डर्मडॉक ब्रांड का ये जो फेशियल किट है एक बार मंगवा कर देखिए, आपको फायदा डेफिनेटली होगा। रेगुलर यूज कीजिए, हर वीक कीजिए, हर वीक नहीं हो तो मिनिमम 15 डेज में आप कीजिए। अगर आपके चेहरे पर टैन है तो, अगर आपके चेहरे पर अनइवन पिगमेंटेशन है, कलर है, टेक्सचर है, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो अबाउट डर्मडॉक ब्रांड का स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल के कॉर्नर में जो बेल का आइकॉन है उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको चैनल की जो न्यू न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।